नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। बस अड्डा बाजार संग्रह में दर्जी की छोटी सी दुकान चलाने वाले समाज सेवी एस के टेलर द्वारा क्षेत्र की दो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 500 मास्क वितरित किए गए। सुरेश कुमार यहां से 65 किलोमीटर नोहराधार पहुंचे, जहां उन्होंने जमा दो में 250 फेस कवर वितरित किए। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने वोकधार स्कूल में भी 250 छात्रों को निःशुल्क मास्क वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रभावित होकर गत 14 मार्च 2020 से अब तक 14,000 से अधिक मास्क लोगों को वितरित कर चुके हैं। मार्च 2020 से वो अपना निःशुल्क फेस कवर वितरण का अभियान जारी रखे हुए हैं। सुरेश कुमार उर्फ एस के टेलर ने बताया कि सिलाई के बाद बचने वाले कपड़े की कतरनों से वो अपनी मशीन द्वारा फेस कवर तैयार करते हैं, फिर उन्हें सैनिटाइज करते हैं। दर्जी के अनुसार वह क्षेत्र में आम आदमी को कोरोना वैक्सीन न लगने तक मास्क वितरण का कार्यक्रम जारी रखेंगे। सिरमौर प्रशासन द्वारा उन्हें कपड़े के बैग निःशुल्क वितरित करने के लिए गत 2019 में गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय में सम्मानित भी किया जा चुका है और उनके समाज सेवा के जज्बे की लोग तारीफ कर रहे हैं। 14,000 मास्क बांट चुका हूँ और ये मास्क हमने स्कूलों में, कॉलेजों में और आम जनता के बीच में ये मास्क दिए हैं, और जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं ये मास्क बांटता रहूँगा। हाल ही में एस के टेलर जी यहाँ पहुँचे हैं, वो अपना जो है कोरोना पीरियड से कार्य आरंभ किया हुआ उसको लगातार कर रहे हैं। आज उन्होंने विद्यालय में सभी छात्र और छात्राओं को मुफ्त में मास्क का वितरण किया। एक सामाजिक कार्य है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि इन्होंने इसी तरह अपने आप ही जो है अपने दिमाग में बिठा दिया है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है। तो इन्होंने एक ये जो मास्क मुफ्त में मास्क वितरण का कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। हम इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।